सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर जो काम मोहम्मद गौरी नहीं कर पाया, जो काम चंगेज खान नहीं कर पाया, जो गजनी नहीं कर पाया, जो बाबर नहीं कर पाया, जो अब्दाली नहीं कर पाया, ना जाने कितने ऐसे आक्रांता आए सनातन को नष्ट करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म कर देंगे। ये विदेशी आक्रांता थे, अब तो देशी आक्रांता सनातन का उन्मूलन चाहते हैं। ये तो हमारे इतिहास को मिटाने आए थे विदेशी आक्रांता, अब देशी आक्रांता सनातन को नष्ट करने के लिए उन्मूलन की बात कर रहे हैं। कोरोना की तरह, जिस तरह से मलेरिया खत्म किया गया, मच्छर बना दिया, इस स्तर तक की बात की। और आपको बताऊं कि ये बात इसको रिपीट कार्ति चिदंबरम ने, जो तिहाड़ रिटर्न भारत के गृह मंत्री चिदंबरम का बेटा है। चिदंबरम का सनातन से कितना नफरत है हम और आप जानते हैं। जब वो गृह मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके राम और रामायण पर सवाल किया। चिदंबरम घोर हिंदू विरोधी हैं, इन सब ने ईसाई धर्म अपना लिया है। अभी मैं देख रहा था कि मैं चाहूंगा कि उस पर भी आपकी टिप्पणी धीरे ये हो गंभीरता से, कि प्रियंका वाड्रा का एक वीडियो हम दिखाएंगे जो मैंने अपने पीछे के शो में दिखाया, कि अपने आप को कह रही है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूं। और वही बकरे का मांस जो लालू यादव के बेटी ने और राहुल गांधी ने, लालू ने मिलकर के बनाया, वो गपर गपर खा रही है। ये सब अपना अब नकाब खुद तेजी से उतार रहे हैं। हम लोग लगातार कहते हैं कि ये किस बात के कैसे कश्मीरी पंडित हैं, जिसका बाप ब्राह्मण नहीं, जिसका बाप हिंदू नहीं, जिसकी माँ हिंदू नहीं, वो ब्राह्मण होने का ढोंग। सर ये ब्राह्मण होने का आवरण ओढ़ करके सोनिया ने क्या बहुत सनातन नष्ट करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला दिया है, क्योंकि डीएमके उसकी सहयोगी पार्टी है। और राजीव गांधी के हत्यारे, आपने एक शानदार विश्लेषण एक बार किया था कि कैसे राजीव के हत्यारों के साथ सोनिया मिली हुई हैं और उसके अपने बाप के हत्यारों को छुड़वाने के लिए प्रियंका वाड्रा जाकर के तमिलनाडु के जेल में गई थी। ये खेल क्या है सर, सनातन को नष्ट करने, उन्मूलन करने की साजिश। मनीष जी, बड़ी सोची समझी रणनीति तय है ये, और ये पहली बार नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी चुनाव कैसा करीब है और इनका नौटंकी शुरू हुई है। आईएनडीआईए गठबंधन की जो लड़ने की बात कर रहा है, मोदी को हटाने की बात कर रहा है, तो उसकी वजह से इनके ऊपर ज्यादा निगाह है। मेरा तो सीधा सवाल है कि ये जो उदय जिसने शुरुआत करी, इसको कौन जानता था? ये तमिलनाडु में भी शायद पूरे लोग नहीं जानते। उदयगिरी या उदयनिधि जो भी इसका नाम है, ये इस तरह से करके चर्चा में आ गया। ये बदनाम करोगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली इनकी रणनीति है। लेकिन मनीष जी, ये पहली पहले हमला नहीं है सनात, ये उसने धर्म पर भी हमला नहीं किया है। उसने बहुत गंभीर बात करी है, उसकी औकात नहीं है, उसका वो कद नहीं है, उसके ना उसकी वो फॉलोइंग अपने बाप दादों के नाम पे, वो भी परिवारवाद का ही एक क्या कहा जाए का नमूना है। डीएमके का राहुल गांधी है वो, हाँ, डीएमके का राहुल गांधी है या आदित्य ठाकरे है, जो भी कह लीजिए उसको, कि उसने के, लेकिन उसने आह्वान क्या किया, उसने धर्म नहीं, उसने कहा कि इनका खात्मा कर दो। सीधे सीधे नरसंहार की एक तरह से वो घोषणा कर रहा है, नरसंहार के लिए ऐलान कर रहा है लोगों की, इनको जो भी सनातन धर्मी है उनका खात्मा कर दो, कह रहा है इनका विरोध मत करो, इनका खात्मा कर दो, यानी इनको कत्ल कर दो। सार्वजनिक कत्ले आम की एक तरह से वो आह्वान कर रहा है, लोगों को बुला रहा है या उनको, मगर उसकी समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक बुला किसको रहा है। सनातनी के दुश्मन कौन है? सनातनी के दुश्मन या तो ईसाई है या मुसलमान है, तो वो सीधे सीधे उनको कह रहा है कि आओ इनको, हिंदुओं को खत्म कर दो, ये उसके मंतव्य है। और उस पर ये सब चुप्पी साधे हैं सारे दिल्ली के दलाल, और ये सेकुलरिज्म के हिंदुस्तान में जो ठेकेदार हैं, ये उसके उस पर चुप्पी साधे हैं। लेकिन मनीष जी, मैं जरा दूसरी कहानी इस पहले इन्हीं को सुनाना चाहता हूँ, ताकि दर्शक समझ लें कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये इस तरह के करते रहे, इसके बाप दादे भी यही करते रहे। इस उदय गिरी के बाप दादे भी यही करते थे, लेकिन उनको और उनको उसी तमिलनाडु में सनातनी ही जवाब मिला, और ऐसा जवाब मिला कि इनको दिन में तारे नजर आ गए। लोग शायद भूल गए हो तो याद दिला दूं, निकाल के नहीं रख पाया वो क्लिक, कि इसके बाप के बाप इसका जो दादा था वो करुणानिधि, जो काला चश्मा लगाता था स्मगलरों की तरह, जैसे फिल्मों में स्मगलर लगाते थे पहले पुरानी पिक्चरों में, उस तरह चश्मा लगाता था वो, उसको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए पुलिस ले गई थी, और उसको घसीटवाने वाली थी जयललिता।
जो कट्टर हिंदू धर्म को मानने वाली महिला थी, मंदिरों में जाके चढ़ावा भी चढ़ाती थी और शीश भी झुकाती थी। उस जयललिता ने इसके बाप दादों को पानी पिलाया, उस बुड्ढे को घसीट के ले गई थी वो पुलिस तमिलनाडु की। उससे पहले बनी थी, जरा पहले इनकी हिस्ट्री समझ लीजिए कि इसने जहर उगला क्यों है। वो कहानी लिखा करता था फिल्मों में, और एक वो बहुत इन जितने यहाँ पे अम्बेडकर अपने आप को दलित तो उसके ठेकेदार बनते हैं, ये एक आदमी का नाम बड़ा लेते हैं पेरियार का, अंग्रेजों के समय में जस्टिस पार्टी बना के ताकि वो स्वतंत्रता आंदोलन में विभाजन हो जाए, इसलिए वो जाति का एक अलग राग अलापा करता था, जस्टिस पार्टी नाम थी आ रहा उसकी पार्टी का, और उसमें उसका उसका चेला था ये करुणानिधि, इसका इसका दादा। और 1947 में आके इन्होंने जब आजादी मिली, सामने सत्ता नजर आने लगी, तो उसी अन्ना दुरई ने, जो उसका साथ था पेरियार के, अन्ना दुरई का चेला ये था करुणानिधि, अन्ना दुरई ने उसके लात मार दी पेरियार के कि चलो भागो, तो पेरियार को तो उसी कूड़े में डाल दिया था। उसके बाद उनको कहीं अता पता नहीं चला, अन्ना दुरई ने सत्ता पे राजनीति करने लगा। सन 1967 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बना मद्रास स्टेट का, जब 1969 में तमिलनाडु बनी तो तमिलनाडु को बना मुख्यमंत्री, लेकिन वो मर गया उसके 20 दिन बाद, तो ये करुणानिधि बना था। लेकिन ये सनातनी से इनकी आग क्यों लगती है, ये पूरा सनातन धर्म का विरोध किए हुए थे। और 1972 में इसके बाप इसके वही दादा करुणानिधि को एक आदमी ने धूल चटाई इसी पार्टी से निकल के, इसका जितना सनातन विरोध था इस पाखंड को उसने लात मारी, उनका नाम था एमजी रामचंद्रन। और जी 1972 से 1989, 17 साल ये बाप बेटे सब मिलके जितने एरियारवादी पेरियारवादी अन्ना दुरई ये फलाने ढिमाके जितने थे सब मिलके लड़ते रहे, लेकिन जब जब चुनाव में गए तो एमजी रामचंद्रन ने इनको नाक रगड़वाई इनकी, ये 17 साल तक हिला नहीं पाए उस सनातन धर्म को। तो ये जब एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद ये सत्ता में आया था, लेकिन उसके बाद फिर जब जयललिता आई तो जयललिता इनसे बराबर लड़ती रही, कि वहां एक ट्रेंड था कि बन गया कि 5 साल ये 5 साल वो। लेकिन 2011 में आते आते उसने इनको ऐसा भूत बना दिया था जयललिता ने, कि 2011 में भी हराया और 2016 में भी हराया, यही बाप बाप बेटे पोते सब थे, और ये सनातन विरोध का झंडा तब भी उठाए थे, और एक सनातनी महिला से ये नहीं लड़ पा रहे थे, वो इनको औकात बता रही थी। तो इसके आज जो ये बोला है उल्टा सीधा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसने जब कत्ले आम का आह्वान किया है, तो इस पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या संज्ञान लेता है, देश की सरकार, इसके ऊपर एक एनएसए लगना चाहिए और एनआईए इसको गिरफ्तार करे, क्योंकि ये सनातन धर्म का कोई वैचारिक या राजनीतिक विरोध नहीं कर रहा, ये आदमी हिंदुस्तान में मुसलमानों क्रिश्चियनों या जितने भी गैर हिंदू जाते हैं उनको कह रहा है कि आओ हिंदुओं का कत्ल कर दो, ये आह्वान कर रहा है, ये बहुत खतरनाक बात कर रहा है। अभी कल कहो कुकुर मुत्ते उठेंगे, तो ये इसको इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई मनीष जी होनी चाहिए।